Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Sidharth. I'm so happy that you have subscribed to my channel. In this series of videos, हम देखने वाले हैं दोस्तों कि एक बिलियनर का माइंडसेट क्या होता है, एक बिलियनर कैसे सोचता है, कैसे अपने डिसीजंस लेता है, कैसे अपने निर्णय लेता है और किस चीज़ों पे फोकस करता है, कहाँ पे उसका अटेंशन है. ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डू इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस सो दैट यू कैन एक्चुअली लर्न अप्लाई. आप सीखो, आप समझो और अप्लाई करो. कम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो. ये से हम सीरीज ऑफ वीडियोज वी हैव प्लान्ड फॉर दैट. सो अब पहली चीज़ मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स, एक माइंडसेट, एक बिलियनर का माइंडसेट ऐसा है जो आप भी कर सकते हो. अगर आज आप जहां पे भी पोजीशन में, जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है, उस बेसिस से अगर ये क्वालिटीज, अगर ये डिसीजंस, ये निर्णय अगर आप ले रहे हो खुद, तो यू कैन ऑल्सो बी ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर एंड अ बिलियनेयर. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू फ्रेंड्स. सो आप ये मानते हो कि आज की तारीख में वी आर ऑल टेकिंग लॉट ऑफ डिसीजंस एवरी डे. रोज we have got so much of information around us कि हमें इतने सारे decision लेने पड़ रहे हैं कि we are थक जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें. यानी अगर आप 10 साल पहले अगर देखो तो हमारे इतने decision लेने नहीं पड़ते थे. There were only some decision which we were supposed to take. बट अभी हमारे पास इतने decisions है कि हम थक जाते हैं, हम क्या करें क्या ना करें और sometimes वो decisions wrong हो जाते हैं. तो पहली चीज which is very important is the kind of decisions which you are going to take. You have to be a decision maker. Each and every one of you have to be a decision maker. So first aspect is about the decisions. And second aspect about a billionaire's mindset is about the attention. Itna information overload hai. Itni sari gadgets, itne sare mobile apps, itne sare social media platforms hai. Aaj bhi aap social media pe hi ho. So you are actually bombarded with information. तो ये सारे जंजाल में हाउ आर यू एबल टू फोकस. आप अपना ध्यान कैसे केंद्रित करोगे जो थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच आर रियली मीनिंगफुल फॉर यू, कहां पे आप अपना अटेंशन दे रहे हो. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर चॉइस इज द अटेंशन. तो ये दो चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. द फर्स्ट इज डिसीजन, आपका निर्णय, एंड द सेकेंड इज अटेंशन, आप कहां पे अपना ध्यान फोकस कर रहे हो. और फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियोस में आपको एक ब्रेन टैटू देता हूं, एक टेक्निक देता हूं, ताकि आप ये चीजें, मेरी कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी तरह से आप समझ पाओ और अप्लाई कर पाओ. तो ये भी एक ब्रेन टैटू है फ्रेंड्स. दिस इज व्हाट आई कॉल द माइंडसेट ऑफ अ बिलियनेयर विच इज हैविंग अ डीएनए. डीएनए का मतलब डी स्टैंड फॉर डिसीजन एंड ए स्टैंड फॉर अटेंशन. तो अगर आपको एक माइंडसेट ऑफ अ बिलियनेयर चाहिए, तो अगर आपको उसके डीएनए में घुसना है, तो आपके डिसीजंस और आपके अटेंशन पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स. तो आइए देखते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस हाउ आर यू गोइंग टू टेक द चॉइसेस. ऐसे कौन से आप अपने चॉइस लेंगे जो आपके डिसीजंस और आपके अटेंशन को आप इंपैक्ट कर पाओ और आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को आप चेंज कर पाओ फ्रेंड्स. So I hope you have liked the topic which I'm going to cover up in the next videos. Thanks for watching my video. Subscribe to my YouTube channel if you have not subscribed. Ring the bell ताकि आपको हमेशा मालूम पड़े कि मेरे नए videos कभी आ रहे हैं. Remember friends, we are representing the Napoleon Hill Foundation. I am the CEO of Think and Grow Rich Academy. Thank you so much for watching my video.